मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। आज मैं सीधा चार एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं एंड हियर दे आर। एग्जाम्पल नंबर वन, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त के फादर ने, जो कि बहुत ही मेहनती हैं, जैसे कि मेरा दोस्त मुझे बताता है, पिछले 50 वर्षों में करीब 5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं मेरे दोस्त के फादर। एग्जाम्पल नंबर टू, वहीं मेरे उसी दोस्त के फादर इन लॉ ने पिछले 15 सालों में 50 करोड़ रुपए कमाए हैं। एग्जाम्पल नंबर तीन, वहीं सुकेम इन्वर्टर्स के 1994 से 2007 तक 5000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई थी। ये मैं 2007 तक का डाटा दे रहा हूं क्योंकि मेरा सुकेम के मालिक कुंवर सचदेव से एक ट्रेनिंग के दौरान मिलना हुआ था 2007 में बद्दी हिमाचल में। इन सब में इतना फर्क क्यों है? माई फ्रेंड्स फादर 50 इयर्स 5 करोड़, माई फ्रेंड्स फादर इन लॉ 15 इयर्स 50 करोड़, सुकेम इन्वर्टर्स 13 इयर्स 5000 करोड़ एंड फेसबुक 13 इयर्स 5000 बिलियन। व्हाई इज देयर सच अ बिग डिफरेंस? आज जो मैं ये सक्सेस फॉर्मूला लेके आया हूं आपके पास, वो आपकी आंखें जरूर खोल देगा। कम ऑन अनुराग, यू हैव बीन सेइंग द सेम इन एवरी वीडियो, एवरी थॉट दैट यू शेयर विद अस। आई नो आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, बट लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग। अगर आज के टॉपिक ने, विषय ने आपको सोचने पर मजबूर नहीं किया तो सीरियसली आपको अपनी बॉडी के टॉप फ्लोर को चेक कराना है, क्योंकि इस थॉट में गलती नहीं हो सकती है दोस्त। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग एजुकेटेड होते हुए भी, एक्सपीरियंस होते हुए भी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रख कर भी वो प्रोग्रेस करते हैं, जबकि कुछ एक गिने चुने लोग प्रोग्रेस करते हैं मगर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कर लेते हैं। क्यों कुछ लोग इतना तो कुछ इतना तो कुछ इतना तो कुछ इतना कि स्काई इज द लिमिट? क्यों, कहां, क्या फर्क है इन सब में? चलिए सुनिए ये सारे फर्क मेरे दोस्त की जुबानी। सो हियर वी गो। मेरा दोस्त बताता है कि आज वे जिस बंगलों में रहते हैं, एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं, आज वो जिस बंगलों में रहते हैं वो करीब 25 साल पुराना है और वो चाहता है कि उसे गिरा करके नए तरीके की स्किल्ड पार्किंग के साथ मकान बनाया जाए, परंतु जब भी वह अपने पिता से मकान को गिरा करके नए मकान को बनाने की बात करता है, उसके पिताजी का जॉब होता है, एक ही जॉब होता है, ठीक है, अगले हफ्ते बैठ करके विचार करते हैं। अगला हफ्ता कब आके बीत जाता है कि पता नहीं चलता। उससे अगले हफ्ते में पिताजी को बिठाया जाता है, लेकिन उस दिन पिताजी को जल्दी सोना होता है और बात टल जाती है अगले दिन पर और अगले दिन पर और अगले दिन। चलो छोड़िए साहब, आप समझ चुके होंगे कि मेरे दोस्त के पिताजी की फिनोमिनल सक्सेस का राज क्या है। वही मेरा दोस्त बताता है कि उसके फादर इन लॉ जो है उनका एक एग्जाम्पल बताता है। वो कहता है, मेरे दोस्त को एक सेकेंड हैंड मर्सिडीज बेंज ई क्लास खरीदी थी। वो सोचता रहा कौन सी गाड़ी लूं, फाइनेंस कराऊं या ना कराऊं, या BMW लूं या मर्सिडीज बेंज लूं, एवरेज कम होगी, किससे लूं, ऑनलाइन ऐप से लूं या फिर किसी डीलर से लूं। सोचते सोचते 6 महीने गुजर गए। एक दिन उसने सुबह सुबह अपने फादर इन लॉ को फोन पर बताया। उन्होंने उससे पूछा कौन सा मॉडल चाहिए, क्या बजट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दोपहर को उसके फादर इन लॉ का फोन आया, तुम्हारे ऑफिस के नीचे 2 मर्सिडीज बेंज खड़ी हैं, मैंने टेस्ट ड्राइव ले ली है और जो मुझे पसंद आई है उसी का एडवांस भी मैंने दे दिया है, और मुझे पता है तुम्हें भी वही पसंद आएगी जो मुझे पसंद आई है। मेरा दोस्त चिल्ला, ये क्या करते हो आप, कम से कम एडवांस देने से पहले मुझसे पूछ तो लेते, ऐसे कैसे दे दिया। और जब उसने जा करके नीचे टेस्ट ड्राइव ली दोनों गाड़ियों की, तो उसे भी वही पसंद आई जिसका एडवांस उसके फादर लॉ ने दिया था। मेरा दोस्त बताता है वो गाड़ी उसे 29 लाख रुपए की पड़ी उसको, और इसमें भी कोई शक नहीं कि उसके फादर लॉ ने वो गाड़ी करीब 1 से 2 लाख रुपए महंगी मिली थी, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं ये पैसा ज्यादा ना देता, अगर मैं ये चार्ज अपने फादर लॉ को ना देता, तो क्या आज तक भी मेरी ये मर्सिडीज बेंज आ पाती, क्योंकि मेरे अंदर खून तो मेरे पिताजी का है ना। कल चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम लोग। सुकेम के मालिक कुंवर सचदेव की बात करते हैं हम लोग। मैं ट्रेनिंग के लिए अपनी पूरी टीम को लेकर के 2007 में बद्दी हिमाचल प्रदेश गया था उनके 146 चैनल पार्टनर्स को 2 दिन की फुल डे वर्कशॉप के लिए। बुलाया था हमें 2 दिन की वर्कशॉप के लिए, 5-स्टार होटल भी बुक किए गए थे 2 दिन के लिए उन 146 चैनल पार्टनर्स के लिए और हमारे लिए, और न जाने कितना और खर्चा भी किया था इन लोगों ने। सुकेम द्वारा 146 चैनल पार्टनर्स के 2 दिन की ट्रेनिंग पर लास्ट मोमेंट ट्रेनिंग से 1 रात पहले सुकेम के मालिक कुंवर सचदेव को एक विचार आया, एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी मेरी ट्रेनिंग को वो 1 दिन डिले कर दें। मैंने मना किया कि मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, मेरी ट्रेनिंग है दिल्ली के अंदर, मुझे वापस जाना है, मुझे ट्रेनिंग देते ही वापस जाना होगा। सुकेम से मेरे होटल रूम में फोन आया, आपको 3rd दिन का एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं,
रुक जाऊंगा, सीधी सी बात है, पैसा मिल रहा है। होटल को फोन किया, उन्होंने भी मना कर दिया, लेकिन जब एक्स्ट्रा चार्जेस ऑफर किए गए तो वो भी मान गए। ढेरों बसें आई हुई थी चंडीगढ़ से, उनको भी एक्स्ट्रा चार्जेस दिए गए और बहुत सारे और खर्चे भी किए गए मेरी इस ट्रेन को डिले करवा के। एक्चुअली मुझसे पहले एक दिन की एक और स्पेशल एक्टिविटी कराई गई थी उन चल पार्टनर्स के साथ में। इन सबको आगे पीछे करने में सू कैम्प को अवश्य ही 25 से 30 से 35 लाख तो जरूर खर्चे पड़े होंगे। मुझे बहुत इच्छा थी कोच सदैव से मिलने की और उनको इंटरव्यू करके पूछने की कि ये सब कुछ किया क्यों। लास्ट डे की ट्रेनिंग के बाद डिनर था, उस डिनर में कहीं जाकर के मौका मिला कोच सदैव से मिलने का, उनसे बात करने का। हम दोनों अपने अपनी प्लेट लेकर के सोफे पर बैठे और तब मैंने उनसे पूछा, कुंवर जी आपकी सक्सेस का राज क्या है? सुना है आपने 13 साल पहले आप वेस्पा स्कूटर पर बैटरीज बेचा करते थे चांदनी चौक में, और 13 साल में आप 5,000 करोड़ से भी ज्यादा के मालिक बन चुके हैं, कैसे? कुंवर बोले, हार्डवर्क। मैंने कहा, बेकार की बातें छोड़िए, हार्डवर्क से बद्दी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सात फैक्ट्रियां नहीं बन सकती, सही सही बताइए। कुंवर सचदेव ने मेरी तब देखा और बोले, जिसका मुझे इंतजार था। वे बोले, ये सब कुछ है क्योंकि मैं डिसीजंस बहुत क्विकली लेता हूं, मन में आया और वो काम होना चाहिए। मैं मुस्काया क्योंकि मुझे इसका उदाहरण मैं देख चुका था और मुझे ऐसे ही आंसर की प्रतीक्षा भी थी। मैंने उनसे चुटकी लेते हुए पूछा, इस प्रकार की क्विक डिसीजन मेकिंग से आपको नुकसान बड़े होते होंगे? कुंवर सदैव बोले, हाँ होते हैं। मैंने पूछा, कितने के नुकसान होते हैं? तो वे बोले, लाखों के और कई कई बार तो करोड़ों के होते हैं। और तब मैंने उनसे पूछा, तो इसके कान से फायदे कितने होते हैं? वे बोले, अरबों के। He said, they are really perfect decisions. आपका डिसीजन हर ढंग से परफेक्ट हो ये नहीं हो सकता, आपके लिए डिसीजन को लेना जरूरी है, उस पर काम करना जरूरी है। खराब डिसीजन काम करके अच्छा डिसीजन हो जाता है, कंफ्यूज मत रहो। यस नो मे बी, यस नो मे बी, कम ऑन गाइस, टेक द डिसीजन, टेक अ क्विक डिसीजन, मेक इट योर हैबिट ऑफ टेकिंग क्विक डिसीजन एवरी डे। डिसीजंस लो आगे, डिसीजन लो आगे। जनाब कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, महीनों के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से नहीं, मिनटों के हिसाब से चेंज हो रहा है, पल पल में चेंज हो रहा है। सोचने वाले अब पीछे छूट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, डिसीजन लेने से पहले इसके प्रोस एंड कॉन्स लिख लो। कुछ कहते हैं, थिंक अ लॉट बिफोर टेकिंग अ स्टेप। कुछ कहते हैं, अपने डिसीजन को औरों के साथ डिस्कस करो। कुछ कहते हैं, एक्सपर्ट की ओपिनियन लो। कुछ कहते हैं, अरे साहब छोड़िए लोग क्या कहते हैं, डिसीजन लीजिए, ये जिंदगी बहुत छोटी है, आप किसी महान काम को करने के लिए आए हैं, डिसीजन को लीजिए, फौरन लीजिए, ये जिंदगी यूं निकल जाएगी साहब, यूं निकल जाएगी। कब करेंगे, कब जिएंगे अपनी जिंदगी को, अगले साल, अगले महीने, अगले हफ्ते, कल, आज या अभी? सारे फसाद की जड़ हमारा माइंड है जो डिसीजन लेना नहीं चाहता। माइंड इज द प्रॉब्लम, माइंड इज द सॉल्यूशन। जिनको परफेक्शन चाहिए, 100% क्लीननेस चाहिए, वे कभी डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन अच्छा निकला, सफलता जल्दी मिलेगी। डिसीजन खराब निकला, सफलता देर से मिलेगी। डिसीजन नहीं लिया, सफलता कभी नहीं मिलेगी। हाँ मिलेगा, आपको पता है क्या? बाबा जी का थुल्लू। होमिक्स लिमिटेड के MD जय भगवान गोयल कहते हैं, हम एम्प्लॉयज वही रखते हैं जो जल्दी जल्दी डिसीजन लें, और हाँ कभी कभी वो डिसीजन सही भी हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, हम एम्प्लॉयज वो रखते हैं जो जल्दी जल्दी डिसीजन लें, और हाँ कभी कभी वो डिसीजन सही भी हो। अंत में मैं कहना चाहूंगा, डिसाइड कीजिए कैसी सफलता चाहिए आपको, मेरे दोस्त के पिता जैसी, या मेरे दोस्त के फादर इन लॉ जैसी, या सू कैम्प के ओनर कुंवर सदैव जैसी, या फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग जैसी। क्लास में अंत में दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या एक अच्छे कॉन्फिडेंस स्पीकर बनना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज कोर्स और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। हमारे दिल्ली और NCR में 10 सेंटर्स हैं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सामने लिखे हुए फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास आने वाली बिजनेस वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप सेटिंग्स में जा करके YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास इस विषय पर कुछ खास हुआ तो मैं नीचे कमेंट्स में आप लिख लीजिए, कुछ नए एग्जांपल्स हुए तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में या अपनी किताब के अंदर इसको जरूर इंक्लूड करूंगा आपके नाम और पते के साथ में। आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने व्यापारिक दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं, और मैं आपको अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं इस पर नई से बातें बताता रहूंगा। और तब तक के लिए ऑफ विडोज इन शबक खैर बी सिंग यू। आज एक दिन मिलते हैं हम लोग, आज के दिन, आज के समय, मेरी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।